हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं कॉटलिन सीरीज। और पिछले सेशन में हमने देखा था कि कॉटलिन के बेसिक के बारे में हमने देखा था, या कॉटलिन का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम देखेंगे कि कॉटलिन के लिए हम कौन कौन से एडिटर यूज़ कर सकते हैं या IDE यूज़ कर सकते। कॉटलिन के मेनली हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हमारा एक्लिप्स, एंड्रॉयड स्टूडियो और कंपाइलर एंड इंटेलिजे आइडिया। तो इस सीरीज़ में हम इंटेलिजे आइडिया का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसको डाउनलोड करते कैसे करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और सिंपल इसमें टाइप करना है इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड फॉर कॉटलिन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फर्स्ट वाली जो लिंक है jetbrains.com और ये साइट खोलनी। अब इस पे अगर आप देखेंगे तो इसके पास दो वर्ज़न है, एक अल्टीमेट वर्ज़न है और ये ट्रायल वर्ज़न है। और अगर आप देखेंगे कम्युनिटी वर्ज़न तो ये फ्री है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, कम्युनिटी वर्ज़न पे डाउनलोड करना है मैम, और इस पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। फिलहाल मैं इसको अभी डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ। और डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सेटअप मिलेगा। बेसिकली मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मुझे DMG फाइल मिल रही है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको EXE फाइल मिलेगी। देन क्या करना है, इस फाइल इस सेटअप पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। तो ये मेरा क्या है, मेरी जो सॉफ्टवेयर वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। सेम स्टेप आपको अपनी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी फॉलो करना है। देन क्या करता हूँ, मैं इसे एप्लीकेशन में डाल देता हूँ। तो ये थोड़ा अब आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। ये हमारा जो एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम आप अगर आप ओपन करेंगे तो ये थोड़ा सा इसको टाइम लेता है। सेम स्टेप आपको अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी फॉलो करना है। आपको सिंपली आप ऑलरेडी अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्योंकि जस्ट आपको क्या करना है, उस पर नेक्स्ट जो आपकी टर्म एंड कंडीशन एग्री करके इस पर नेक्स्ट ही करना होता है। सिंपली अगर आप कोई भी सिंपल एप्लीकेशन EXE अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ईजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देन मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ।
अब ये यहाँ पर मुझे क्या है प्रीवियस वर्जन, और ये हमें क्या है प्रीवियस वर्जन, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा ओपन हो रहा है, तो ये इस तरह क्या हमारा आपको जब ओपन होगा तो आपको इस तरह स्क्रीन शो होगी। तो ये था हमने देखा कि कैसे हम इंटेलीजे आइडिया जो हमारा एडिटर या आईडी है इसको कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम हेलो प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो आज तब तक के लिए धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।